या ये गेम के ऊपर मेरे बहुत सारे कुछ आस थे। एंड जैसे आपको पता है, यू नो आई डोंट नो आपने देखा है फिर नहीं ये, लेकिन इन्होंने अच्छा कहते ना मौके पे चौका छक्का मारा था, क्योंकि जो है गाइस पबजी ग्लोबल जो था जब इंडिया में बैन हुआ तभी जो है गाइस इन्होंने ये गेम जो है इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। एंड इट वेंट सो वायरल, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना गेम वायरल हुआ। एंड ऊपर से जो है गाइस लाइक न्यूज वालों ने भी ये कवर कर दिया, हालांकि न्यूज वालों को बिल्कुल दिमाग में मतलब कुछ नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी। वो लोग जो है पबजी का खुद का ही ट्रेलर यूज करके बता रहे थे कि इट्स फौजी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था मतलब कौन सा माल फूक के वो लोग न्यूज कर रहे थे। और देखिए यही वो गेम है जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे। आपने पबजी देखा होगा, कुछ इसी तरह का गेम होता है, लेकिन ये फौजी है। पबजी का की जगह जो है वो फौजी ने ले ली है। और ये आप तस्वीरें देखिए, गेम कुछ इस तरीके का होने वाला है। तू क्या बोल रही है? What is going on, welcome back guys to the channel। And ये जो वीडियो है guys, ये आज थोड़ी different है, ये बहुत ही different है, ठीक है। आज जो guys मैं अपना सबसे favorite वाला game खेलने वाला हूँ, तो यहाँ पे ये guys मैं play store पे चले, okay, हंसी control करनी पड़ेगी मुझे इस वीडियो के लिए। और yeah, today we are gonna play my favorite game। And मेरे जो true viewers है उन्हें पता होगा मैं कौन से game की बात कर रहा हूँ। नहीं पता टेंशन मत लो यार, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है guys हम खेलने वाले आज फौजी, ठीक है। एंड फौजी जो है गैस हमें देखा जाए तो एक साल होने को आ रहा है अभी, एग्जैक्टली नहीं कहूंगा, आई थिंक 26 जनवरी को जो है गैस पिछले साल ये गेम लॉन्च हुआ था। एंड अभी जो है गैस अभी देख सकते हो यहाँ पे इसके दो वर्जन्स है देखा जाए तो। एंड शायद से ये वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ मैं इंट्रो डालूंगा कि नहीं पता नहीं, मे बी ये पूरी वीडियो इंट्रो हो सकती है। बट यहाँ पे जो है गैस सेकंड पे जो है जैसे आप देख रहे हो ये फौजी है। एंड ये जो है गैस नॉर्मल गेम है आई थिंक ऑफलाइन वाला, बट यहाँ पे जो है गैस ये वाला गेम खेलेंगे अर्ली एक्सेस। ये मैंने पहले भी कवर किया है चैनल पे, बहुत महीने हो गए अभी, इसमें और भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं अभी, मुझे पता नहीं इस गेम की स्टेटस क्या है, तो सोचा कि आज जो है गैस कवर कर लेते हैं एंड आज खेल लेते हैं बहुत टाइम के बाद, देखते हैं ये गेम की क्या सिचुएशन है, अच्छा इम्प्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है गैस मैं इंस्टॉल कर देता हूँ एंड ये इंस्टॉल हो जाता है, तब तक वेट करते हैं। एंड पता नहीं मैंने फौजी सर्च मारा है, बीजिया वालों की एड दिख रही है, ये देख सकते हो भाई साहब खतरनाक पैसा खर्च करते हैं लोग बीजिया वाले। जो भी है गाइस यहाँ पे गेम इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम वेट करते हैं। एंड जरूर बता देना आप ये गेम खेल रहे हो या फिर नहीं। देखा जाए तो मैं इस गेम का देखो गाइस मजाक भी उड़ाता था, लेकिन उतना ही जो है गाइस मैं इस गेम के लिए एक्साइटेड भी था, अभी भी हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आई हैव लॉस्ट माई होप्स ये गेम के ऊपर से, या ये गेम के ऊपर मेरे बहुत सारे कुछ आस थे। एंड जैसे आपको पता है, आई डोंट नो आपने देखा है फिर नहीं ये, लेकिन इन्होंने अच्छा कहते ना मौके पे चौका छक्का मारा था, क्योंकि जो है गाइस पबजी ग्लोबल जो था जब इंडिया में बैन हुआ तभी जो है गाइस इन्होंने ये गेम जो है इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। एंड इट वेंट सो वायरल, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना गेम वायरल हुआ। एंड ऊपर से जो है गाइस लाइक न्यूज वालों ने भी ये कवर कर दिया, हालांकि न्यूज वालों को बिल्कुल दिमाग में मतलब कुछ नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी। वो लोग जो है पबजी का खुद का ही ट्रेलर यूज करके बता रहे थे कि इट्स फौजी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था मतलब कौन सा माल फूक के वो लोग न्यूज कर रहे थे। आई एम रियली सॉरी टू से बट आई डोंट नो मैन, मतलब सच्ची में यार इंडियन की कोई न्यूज चैनल्स इतने मतलब अभी क्या ही कहूँ यार। सो आई होप उनको वो गलती का एहसास हो गया एंड पता नहीं उसके बाद उन्होंने कुछ सॉरी भी कहा है नहीं, बट सीरियसली लाइक दे यूज्ड BGMI पबजी PC का ट्रेलर यूज किया एंड वो लोग बता रहे थे कि ये फौजी है। एंड मतलब इतना मैं उस टाइम हंसा था ना, अब इमेजिन नहीं कर सकते। जो भी है गाइस यहाँ पे ये गेम लोड हो चुका है अभी, मुझे पता नहीं मैंने किस इससे लॉग इन किया था, गूगल से लॉग इन कर देते हैं एंड देखते गाइस थोड़ा एक दो मैच खेल लेते हैं। पता भी नहीं इसमें कौन कौन से मोड्स ऐड हुए हैं, वी विल सी। हालांकि सबसे स्टार्टिंग में लाइक लिटरली गेम आई थिंक लॉन्च होने के पहले ही उन्होंने ऐसे मेंशन किया था उनके कुछ ऐसे लाइव स्ट्रीम्स कॉन्फ्रेंस वगैरह वीडियो कॉल्स में कि दे विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस बैटल रॉयल, बैटल रॉयल एक्सपीरियंस भी आएगा फौजी में। ओ यू कैन वेट व्हाट, ऑडियो भी है, ओके हियर वी आर। एंड आई थिंक मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ पे प्रोग्रेस, तो या माय फेवरेट नेम, लेट्स अप्लाई दैट, ओके।
सो हियर वी आर गाइस। एंड सबसे पहले जो है गाइस हम जाते हैं, यहाँ पे जो है गाइस ऑडियो है तो मैं म्यूजिक जो है थोड़ी बंद कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट नो इट्स यू नो कॉपीराइटेड है या नहीं। एंड उसके बाद जो है सेटिंग्स में जाते हैं, वीडियोज में जाते हैं एंड देन ग्राफिक जो है गाइस अल्ट्रा पे सेट करते हैं। एंड आई होप आप मेरा ऊपर जो है गाइस मोबाइल का स्टेटस भी देख सकते हो तो आपको पता चलेगा कुछ क्या कैसे है। एंड FPS जो है व्हाट इफ आई सेट टू अनलिमिटेड, ओके शो FPS ये भी कर देते टिक एंड सेव का तो बटन नहीं दिख रहा है सो बैक जाते हैं। एंड ओके सीरियसली भाई साहब मेरा RGB 144 FPS तक सपोर्ट करता है लेकिन यहाँ पे जगह मुझे 60 पे कैप कर दिया है। जो भी है यहाँ पे लोडआउट देख लेते हैं क्या क्या न्यू है। देखा जाए तो आई थिंक UI बहुत बहुत सुधर गया है क्योंकि मुझे पता है जब मैंने गेम खेला था जब इसका अर्ली एक्सेस ये सबसे पहले रिलीज हुआ था मैंने चैनल पे कवर किया था, फ्लिकरिंग होती थी बहुत स्क्रीन पे एंड अच्छी तरीके से नहीं चलता था ये। बट अभी जो है सॉर्ट ऑफ अच्छा लग रहा है, यू नो UI भी जो है बहुत ही रिस्पॉन्सिव हो गया है, या डेफिनेटली रिस्पॉन्सिव हो गया है। तो यहाँ पे ये ले लेते हैं गाइस AK-72 ले लेते हैं, ठीक है AK-72। एंड उसके बाद जो है गाइस पता नहीं और क्या क्या है यहाँ पे। ओके तो ये गेम जो है गाइस और भी मतलब ये गेम स्टिल बहुत ही डेवलपिंग कंडीशन में है, प्ले कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे TDM टीम डेथ मैच है एंड उसके बाद डेथ मैच है तो ये शायद से फ्री फॉर ऑल है। एंड यहाँ पे जो है गाइस एक और मोड यहाँ पे कमिंग सून है तो पता नहीं वो क्या मोड है, इज इट अ बैटल रॉयल, आई डोंट नो मैन, आई डोंट थिंक सो बैटल रॉयल मोड हो सकता है। जो भी है यहाँ पे जो है गाइस डेथ मैच में स्टार्ट हो जाता है एंड देखते हैं मैच मिलती है या नहीं, पता नहीं प्लेयर्स खेल रहे हैं या नहीं, जरूर बता देना गाइस कमेंट सेक्शन में आर यू गाइस प्लेइंग दिस गेम राइट नाउ और नॉट, कि आपने छोड़ दिया। तो ये आई थिंक गेम जो है बहुत बहुत प्रोग्रेस हुआ है, सच्ची कह रहा हूँ, ये अभी मैं कुछ मजाक नहीं कर रहा हूँ ठीक है ना, ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि जब मैंने सबसे पहले इसका गेम खेला था जो ऑफलाइन वर्जन था यू नो स्टोरी मोड सॉर्ट ऑफ वाला थिंग, तो मुझे पता है तब ये गेम की हालत क्या थी, इस गेम को कितना क्रिटिसाइज किया गया था, मैंने खुद ने भी किया मैं झूठ नहीं कहूँगा। बट उसके बाद जो है इस गेम बहुत प्रोग्रेस हुआ, जैसे कि अभी ये अर्ली एक्सेस खेल रहा हूँ एंड या देखते हैं अभी एक राउंड खेल लेते हैं। ओ या डेफिनेटली द मूवमेंट्स, ओके फुटस्टेप्स के अभी भी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही लाउड है, मतलब या कुछ ज़्यादा ही एनहांस की है फुटस्टेप्स की स्टेप्स को जाते एंड वेट अ सेकंड गाइस मैं कुछ हैक नहीं लगा रहा हूँ ठीक है, पता नहीं वो लिटरली एक शॉट में गया। ओके तो आई थिंक या मैंने या ऑटो शूट चालू है गाइस, यू नो ऑटो शूट अनेबल है, वही सोचूं मैं बस एम कर रहा हूँ एंड ऑटो शूट हो रहा है, या ऑफ नहीं ऑफ नहीं करता वो रहने दो, मैं थोड़ा नूब हूँ फौजी गेम में ठीक है वेट करते हैं। एंड यहाँ पे बॉटम लेफ्ट में पिंग भी है 44 प्लस माइनस 7 ms, पता नहीं उसका मीनिंग क्या है भाई, नहीं मार दे भाई कितनी गोली लगती है। या हिट मार्कर्स जो है अभी बहुत सुधर गए हैं एंड ऑल्सो कंट्रोल्स, गेम भी थोड़ा ऑप्टिमाइज हुआ है, 60 FPS कॉन्स्टेंट चल रहा है, बीच बीच में हिकअप्स है बट या डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हो। ओके या आई एम डेफिनेटली लूप भाई, बहुत टाइम के बाद मैं ये गेम ट्राई कर रहा हूँ, आपने देखा आपके सामने मैंने इंस्टॉल किया। बट या रही बात अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद ये जो मैप है मैप की डिटेलिंग देख सकते हो, मैप की डिटेलिंग बहुत अच्छी है, मुझे डेफिनेटली बहुत पसंद आई, ऐसे नहीं कि एक रूखा सूखा मैप का लेआउट उन्होंने डाल दिया है ना, आई रियली लव डेट। यहाँ पे देख सकते हो मतलब बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारे डिटेलिंग की गई है, दीवार पे भी देख सकते हो है ना, एक सेकंड कोई आ रहा है क्या, मैं एक बार ग्राफिक जो है लो करके देख लेता हूँ कि लो में ग्राफिक ये गेम की कैसी है। ओके तो ऐसे नहीं कि कुछ गायब हो जाता है बट डेफिनेटली जो टेक्सचर्स है वो थोड़े यहाँ पे कम हो जाते हैं। भाई के पास शॉटगन है भाई, मर जा भाई। ओके या गाइस तो लोएस्ट जो ग्राफिक्स है वो आप ऐसे कुछ तो देख सकते हो, मतलब जो टेक्सचर्स है बहुत ब्लर्ड आउट हो जाते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग देख नहीं सकते, यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि ये पोस्टर, अगर मैं ये अल्ट्रा पे करता हूँ शायद से, प्लीज़ ओके तो देख सकते हो पोस्टर जो है थोड़ा रीडेबल हो जाता है, उसके जो लेटर्स वगैरह है शार्प हो जाता है, ओवरऑल देखा जाए तो इट्स प्रीटी गुड। ADS देख लेते हैं रेड डॉट इसका कैसा क्या है, आई डोंट थिंक सो इसमें जायरो वीरो है, आई डोंट थिंक राइट। ओके द ADS रिकॉल हैंडलिंग इज ऑल्सो गुड। ओके अभी मुझे पता नहीं एक्चुअल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरी कब बंद हो गई, लेकिन शायद से आई थिंक
रिकॉर्ड हुआ होगा कुछ ना कुछ तो, या अपने आप जो है बंद होगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। बट जो भी है मैंने जो है गाइस एक्सपीरियंस कर लिया अभी के टाइम का ये 4G का मल्टीप्लेयर अर्ली एक्सेस, एंड स्टिल ये बहुत ही अर्ली स्टेज पे है अभी। सबसे पहले ही मुझे क्लियर आउट कर देना चाहिए था, बट या ये वीडियो कुछ स्पॉन्सर विंसर नहीं है, ठीक है। मुझे जस्ट लगा कि जस्ट दिमाग में आ गया यार कि एक ऐसा कुछ तो गेम था 4G नाम का, एंड बहुत महीनों से मैंने खेला नहीं, हालांकि उनको ट्विटर पर मैंने फॉलो किया है, एंड अभी जो है रिसेंटली वो लोग कुछ ज़्यादा ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, तो या मेरे दिमाग में था ये एक ऐसा आइडिया कि खेल लेते कुछ बहुत ही महीनों बाद 4G ट्राई करते हैं, देखते हैं गेम कौन सी स्टेट में है। एंड पर्सनली अगर आप मुझसे पूछते हो आई थिंक गेम अभी बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, फुल्ली फ्लैश्ड आउट नहीं है डेफिनेटली। आज के ज़माने में जैसे आप अदर गेम्स देख रहे हो मार्केट में जो अवेलेबल है, तो या उनके डेफिनेटली ये कंपेरिजन में आता नहीं है, क्लोज भी नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि होपफुली जो डेवलपर टीम है उनको पता चले, क्योंकि मैं बहुत सारी गेम्स खेलता हूँ, मैं चैनल पे बस BGMI के वीडियो डालता हूँ, न्यू स्टेट के डालता हूँ, लेकिन डेफिनेटली बिहाइंड द सीन मैं बहुत सारी अदर गेम्स ट्राई करता हूँ, खेलता हूँ, तो मुझे पता है। तो फिलहाल के स्टेट में ये जो है बाकी अदर गेम्स के साथ कंपेरिजन में अभी फिलहाल बहुत टच में तो आया नहीं है, बट और देखते हैं। बहुत सारे डेवलपर टीम जो है अभी भी इस गेम के ऊपर उतनी डेडिकेशन से काम कर रही है, न्यू न्यू चीज़ें वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो या देखते हैं कब क्या होता है। एंड आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज वुड बी दिस थर्ड मोड, पता नहीं क्या है, देखेंगे। बैटल रॉयल हुआ तो भाई साहब मतलब या फिर से जो है थोड़ा क्रेज इसमें आ जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। या जब ये गेम ऑफलाइन लॉन्च हुआ था आई थिंक 26 जनवरी को, तभी लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट गुड, बट जो टीम है एनकोर की अच्छी तरीके से उन्होंने थोड़ा सबर रखा, डेवलपमेंट किए, स्पेशली ये मल्टीप्लेयर मोड लाके, क्योंकि डेफिनेटली यार जो उन्होंने रिलीज किया था दैट वॉज नॉट अ गेम, दैट वॉज एन ऑफलाइन गेम, वो भी स्टोरी मोड, बस मुक्केबाजी होती थी, दे हैव एडेड मल्टीप्लेयर एंड देख सकते हो गन्स वगैरह मैकेनिज्म और बहुत कुछ डाले है। सो देखते हैं आगे जाके और ये थर्ड मोड क्या है, एंड अगर और कुछ मेजर चीज होती है डेफिनेटली बता देना। आपको चाहिए कि मैं 4G गेम को कवर किया जाऊँ फ्रीक्वेंटली, तो आई विल देखेंगे, मुझे पता भी नहीं ये वीडियो को क्या रिस्पांस आएगा, बट जस्ट मुझे ट्राई करना था बहुत महीनों के बाद, एंड ऑल्सो मेरे बहुत सारे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको वीडियो चाहिए थी 4G से रिलेटेड। अभी भी जो है कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई 4G ट्राई करो, 4G ट्राई करो, तो या देयर इट इज गाइस वीडियो। ओवरऑल कंक्लूजन, गेम जो है अभी के स्टेट में बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो चुका है, इनकी ही प्रीवियस अगर एग्जाम्पल ली तो ठीक है, बट स्टिल गाइस इस गेम को और भी अभी बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है, तो होपफुली एनकोर की जो टीम है वो इस गेम के ऊपर ध्यान देंगे, एंड जो न्यू चीज़ें जो असेंशियल चीज़ें होती है एक FPS गेम में वो होपफुली ये लोग ऐड कर देंगे। जो भी है गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कर देना, एंड मैं आपसे मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में, टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।